ये मेरा सबसे हैप्पी फेस है और ये मेरा हैप्पी डांस है क्योंकि हम आ गए राम आसरे बाण वाली गली लखनऊ, जो है मेरी फेवरेट जगह आने के लिए मीठी चीजें खाने के लिए। और एक ये देखिए वन ऑफ माय फेवरेट्स, ये यहाँ की रस मलाई। लखनऊ में जब आप आएंगे तो याद रखेगा बाण वाली गली में राम आसरे जी की दुकान है, बहुत प्राचीन दुकान है, बहुत मिठाइयां बनाते हैं, लेकिन उनकी मलाई की गलौरी है ना साहब, मलाई की चादर, उसमें वही माल जो पान में डलता और उसके साथ काजू और चीनी, तो इससे अच्छी मिठाई हिंदुस्तान में साहब हमें तो नहीं मिली, और इसलिए हम छह की छह खा रहे हैं 2 मिनट में। और ये बेशक कुछ भी कह लें, ये है इनकी फेवरेट मिठाई, तो ये आप फटाफट खाइए वरना मिलेगी नहीं। अरे क्या बात कर रहे हैं, 1805 से लगे हुए हैं यहाँ पे ये सारी मिठाइयाँ बनाने में, तो इनको पता है कितनी क्वांटिटी चाहिए इनको, ये खत्म हो जाएगी। हमारे तो दोस्त है, पीछे से हम थोड़ी सी और निकाल लेंगे, लेकिन अगर आप यहाँ आए तो ये 3-4 चीजें आप राम आसरे पे जरूर ट्राई कीजिए। मलाई की गिलोरी, काली गाजर का हलवा, लाल पेड़ा और रस मलाई, ये 4 तो मेरी फेवरेट है। या, और ये लड्डू जो है मोती चूर के, और खासकर ये यानी कि सोहन हलवा जो कि है एक और मेरा फेवरेट, क्योंकि ये है बहुत क्रंची और इसको आप काटे जाएं चबाए जाएं ये रिड्यूस हो गया, इसका बहुत बढ़िया टेस्ट निकल आता है। तो साहब लखनऊ की शुरुआत हमारी बहुत मीठी, पहले आप खाएं सर फिर हम खाएंगे, नहीं प्लीज पहले आप, ये तो सचमुच खा लिया है। ये जो गोवा के लोग है ना, इन्हें लखनऊ की तहजीब पता नहीं है जनाब, आपको बोलना चाहिए नहीं पहले आप। हाँ सर पहले आप, नहीं पहले आप, अब तो आप खा चुके हैं पहले आप, बात नहीं पहले आप, आपने ये बोला था कि आपको बोलना चाहिए पहले आप, आपने बोल दिया पहले आप। तो देखिए जी, जब कोई आदमी 216 साल से कोई काम कर रहा हो तो उसकी महारियत जो है, जो उसका एक्सपर्टीज है, जो उसका एक्सपीरियंस है, वो इतना जबरदस्त हो जाता है, इतना विशाल हो जाता है कि उसके साथ कंपैरिजन करना बड़ा मुश्किल है। तो राम आसरे पे जो भी मिठाई आप खाएं, बेशक वो नई हो, क्योंकि अब जो न्यू जनरेशन है, प्रसून जी वो खड़े हैं सामने, प्रसून जी कैसे हैं आप, तो नई चीजें भी जो बना रहे हैं उसमें भी वो 215 साल का 16 साल का एक्सपीरियंस है, तो कुछ भी आप यहाँ से ले जाएं। लेकिन लखनऊ अगर आए तो पान की गिलौरी और सोहन हलवा और रसमलाई के बिना राम आसरे जी की आप अगर चले जाएंगे तो आपका बहुत नुकसान हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अलग अलग चीज़ें जो हैं, दूध तो काफ़ी स्टैंडर्ड है, चीनी भी काफ़ी स्टैंडर्ड है, लेकिन अलग अलग चीज़ों से अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ बनती हैं। जैसे कि मेरी फेवरेट मिठाई, प्रसून जी मेरी फेवरेट मिठाई जी सर बिल्कुल, ये है मेवा चिक्की, मेरी बहुत पुरानी बहुत फेवरेट मिठाई जो मैं हमेशा यहाँ से लेके जाता हूँ। उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या डालते हैं प्रसून जी, आज आप हाथ में आए बड़ी मुश्किल से। इंग्रेडिएंट्स इसमें है अंजीर जी और ड्राई फ्रूट्स, हाँ, और उसमें पड़ता है डाबर हनी। डाबर हनी यूज करते हैं आप जी सर? अरे वाह क्या बात है, तो ये देखिए जनाब, ये देखिए बहुत ही सिंपल रेसिपी, अंजीर डाला, डाबर हनी डाली और मिठाई तैयार। मेरे को रेसिपी आ गई, अपनी दुकान खोलते उसको बोलेंगे, उसको बोलेंगे राम का सहारा रहा तो हमारी भी दुकान चल जाएगी। सारा बहुत चाहिए होगा, क्योंकि इतना सिंपल नहीं होता कभी भैया, क्योंकि पहले तो इनके पास 200 साल के ऊपर एक्सपीरियंस है। सेकेंडली जब आप सब्स्टिट्यूट करते हो शुगर को डाबर हनी से, तो इसमें आपको 2-3 बेकिंग ट्रिप्स चाहिए, तो वो मैं आपको दे देता हूँ और आपको भी दे देता हूँ, क्योंकि #रोड ट्रिपिंग विद आरएनएम एंड हिस्ट्री टीवी 18 पे आपको सिर्फ खाने को चीज़ें नहीं दिखती, टिप्स भी मिलते हैं, बिल्कुल टिप्स। तो 3 सिंपल चीज़ें हैं। नंबर 1, जब आप सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो जब आप चीनी हटाएंगे और शहद डालेंगे तो जो शहद है वो आधा होगा या पौना होगा ज़्यादा से ज़्यादा, जितनी क्वांटिटी आपने शुगर की डाली थी। नंबर 2 जो है आप बेकिंग सोडा थोड़ा एक्स्ट्रा डालते हैं रेसिपी में। और नंबर 3 जब आप डाबर हनी यूज़ करेंगे चीनी की जगह, तो आपको 25% जो है अपना बेकिंग टेम्परेचर 25 डिग्री फारेनहाइट थोड़ा कम करना पड़ेगा, क्योंकि डाबर हनी यूज़ करने से जो है आपको ब्यूटीफुल जो ब्राउन कलर है बेकिंग में वो थोड़ा जल्दी आ जल्दी आ जाता है। यस, शहद डेलिकेट होता है बिल्कुल, है ना। अच्छा, मेरी तरह तो आप मेरे कहने पे हाँ सिर्फ ये ट्राई कर, हाँ देख कितना मजा आने वाला है, बस सिर्फ
थोड़ा सा अंजीर और थोड़ी सी डाबर हनी। अब ले बाइट। आया मजा? तो देखिए जी, अनयूजुअल टेस्ट इंडिया में बहुत है और मिठाइयों का जो काम होता है उसमें एवोल्यूशन कॉन्स्टेंटली चल रही होती है। तो जब आप इधर आए तो आपकी फाइनल लिस्ट ये रही, बड़ी ही सिंपल। नंबर वन मलाई की कलौरी, नंबर टू रस मलाई, नंबर थ्री लाल पेड़ा, नंबर फोर काली गाजर का हलवा, एंड नंबर फाइव आप सोच रहे मीठा 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 चल रहा है, इनकी जो राम आसरी की खस्ता कचौड़ी है, ओ माई गॉड। अरे ये असली लाइन है, सोहन हलवा जरूर ले जाएगा, बहुत अनयूजुअल है, और मेवा चिक्की जरूर ट्राई कीजिएगा, टेस्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा कैंडी, थोड़ी सी मिठाई, थोड़ा सा चुई, थोड़ा सा रबरी, थोड़ा सा सॉफ्ट, थोड़ी सी मिठाई, बहुत ही मतलब ट्राई तो करना है यार। बिल्कुल, आपने ये कचौड़ी के बारे में सारी डिस्क्रिप्शन दे दी, डिलीशियस। अब आप जाएं, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत सारा खाना खाने गए, आप जाएं, आप अपना लंच इंजॉय करें और सपने लीजिए आप कि लंच के बाद जो आपको डिजर्ट मिलेगा वो राम आसरे की मलाई की गिलोरी मिलेगी आपको।